हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी शाम का टाइम है, मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, और मैंने बाल कंघी वगैरह कर लिया है, थोड़ी सी मुझे सर्दी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सर्दी की वजह से ना गला थोड़ा सा बैठा बैठा सा लग रहा है। और मैंने ये चूड़ी डाली हुई है, देखिए काफ़ी दिनों के बाद मैंने चूड़ियाँ चेंज की हैं, नहीं तो मैंने रेड ही पहन के रखी हुई थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से डाला हुआ है। और मैंने आज ब्रासो की साड़ी पहनी हुई है, रेड कलर की, डेली यूज़ वाली। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दिया कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आप एक लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा वीडियो अच्छा है, आपको पसंद आया, तो आपने लाइक किया है। सब्सक्राइब ना करें बट लाइक तो कर दें पसंद आए तो। और फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। कुछ लोग हैं ना, वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही देख के छोड़ देते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करें, और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं चलूँगी किचन में, मुझे खाना बनाना है। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ कांदे की सब्ज़ी। कांदे की सब्ज़ी मतलब छोटा छोटा प्याज नहीं होता है। मैं फ्रिज में से दूध ले रही हूँ, क्योंकि मुझे गैस पे चढ़ाना है गर्म करने के लिए। तो छोटे छोटे कांदे होते हैं, प्याज जो होता है छोटा छोटा, उसको हम छील लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज वो रेसिपी, आप लोग बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अमेजिंग टेस्ट है। आप एक बार तो पनीर को भूल जाएंगे, और बहुत ही बेस्ट। और देखिए, मैंने दूध गर्म करके फ्रिज में रख दिया था। मेरी मलाई एकदम मोटी सी मलाई हो गई है, अब मैं मलाई को निकाल लूँगी। क्योंकि बच्चे हैं ना, मलाई मेरे पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए मेरे दूध की मलाई, वो मैं डिब्बे में करके फ्रिज में रख देती हूँ स्टोर करके। फिर एक हफ्ता हो जाता है तो मैं उसको घी बना लेती हूँ ब्लेंडर मशीन से। उसका मैं मक्खन निकाल के गर्म करके घी बना लेती हूँ, और ज़्यादातर मैं घर का ही घी यूज करती हूँ। और मेरी बेटी को कांदे की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मेरी हेल्प कर रही है। तो मैंने मलाई निकाल ली, अब मैं दूध को रख दूँगी वापस गैस पे गर्म होने के लिए, और गैस को ऑन कर दूँगी। देखिए मलाई मैंने डिब्बे में निकाल ली है, उसको बंद कर दूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है। नमस्कार, हेलो। वो प्याज छीलने बैठी है, लाओ मैं छीलती हूँ, लाओ मेरे पास। वो मेरी मदद कर रही है, क्योंकि ये सब्जी उसको बहुत पसंद है, तो उसने ही बोला मम्मी आज आप कांदे की सब्जी बना दीजिए। मैं बोली ठीक है, बना देती हूँ। तो जस्ट मैं कांदे की सब्जी की तैयारी करने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड, प्याज छीलते छीलते मेरी हालत देख लीजिए आप लोग, मैंने सारे प्याज छील लिए हैं। और ये देखिए, मैंने प्याज छील लिया है, और इधर मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। मैं गैस को ऑन कर दूंगी, और इसमें ये प्याज डाल दूंगी। प्लीज़ आप लोग रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। इसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे एक चुटकी, इसको पकने के लिए एक चुटकी इसमें हल्दी डाल के मैं ये जो है इसको इस तरीके से दूंगी, ये पकेगा। इसको थोड़ी देर फुल आंच पे रखेंगे, फिर गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। और मसाले में मैंने ले लिया है 3 टमाटर, और देखिए 3 प्याज, 2 कली
दो छोटा टुकड़ा अदरक और 5 हरा मिर्च और 5-6 कली लहसुन। तो ये रहा मेरा मसाला। अब इसको मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी मसाले के, उसके बाद में बताती हूँ। और फ्रेंड, मसालों के साथ साथ ये पापड़ी जो आती है, तैयार पापड़ी, इस सब्जी में पापड़ी भी पड़ती है, तो इसको मैं पैकेट से बाहर निकाल लूँगी फाड़ के। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली मसाले पीस लिया है। ये देखिए, ये प्याज अदरक मिर्ची लहसुन है, पीस लिया है मैंने। और ये रहा मेरा टमाटर, और मैंने पापड़ी को भी इस तरह से पैकेट से निकाल के फोड़ लिया है। और सारे मसाले मैं निकाल लूँगी, इसमें कौन कौन से मसाले मुझे डालने हैं। तो ये देखिए, किचन किंग मसाला है, तो आप 1 चम्मच किचन किंग ले लीजिए, क्योंकि मैं इसमें गरम मसाले भी ऐड करने वाली हूँ। तो 1 चम्मच ही मैं किचन किंग मसाला लूँगी। और इसमें मैं ले लूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 1 बड़ा चम्मच मैं ले लूँगी धनिया पाउडर, कुछ इस तरीके से। और 1/2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हींग, रामदेव की हींग मैं यूज करती हूँ। तो देखिए, ये तो मैं इसमें हींग डाल दूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, तो हींग तो बहुत ज़रूरी है डालना। और इधर मेरा जो मैंने कांदा रखा था वो पक चुका है। देखिए, ये रहा मेरा कांदा, पक गया है। तो इसको मैं अब छान लूँगी। जो छोटे छोटे कांदे होते हैं ना, तो उसकी हम कांदी की सब्जी बोलते हैं। यहाँ गुजराती लोग की फेवरेट सब्जी है कांदी की सब्जी। तो मेरे ये सारे मसाले हैं, क्या क्या मैंने डाला आपको बता दिया। और ये मेरी पापड़ी, ये मेरा प्याज का पेस्ट, ये मेरा टमाटर का पेस्ट। और मैं दूध अभी दूसरी गैस पर रखूँगी, क्योंकि दूध मेरा गर्म हो चुका है। और मैं अभी इसको छान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये छान लिया है, देखिए पक चुका है मेरा। और मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था, तो इसका कलर भी अच्छा हो गया है। इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी, और अब मैं गैस ऑन कर दी हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी तेल, कढ़ाई में मैं तेल डाल दूँगी। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, अब इसमें हम डाल देंगे जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया हुआ था। प्याज का पेस्ट डाल के हम इसको अच्छे से पका देंगे, इसका पानी जब तक सूख नहीं जाए तब तक इसको हम भूनेंगे, क्योंकि कच्ची प्याज है तो इसको भूनना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, प्याज मेरा पक चुका है, देखिए तेल छोड़ रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, जो मैंने टमाटर पीस के रखा था वो मैं डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा पकाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसमें साथ ही साथ हम मसाले डाल देंगे और मसालों को मिक्स कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। देखिए कलर कितना प्यारा है, इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब तक कि मसाला और टमाटर पक नहीं जाता तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। देखिए पक रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा मसाला पक चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने पापड़ी ली हुई थी, ये देखिए इस तरीके से मैं पापड़ी डाल दूँगी जो मैंने फोड़ा हुआ था, इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, आप पानी उतना ही डालिए जितना आपको ग्रेवी जाड़ा पतला चाहिए। तो मैं रोटी के साथ बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी जाड़ी ग्रेवी चाहिए। तो देखिए ये मेरी ग्रेवी है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि पापड़ी में थोड़ा सा नमक आता है, तो नमक हमें समझ कर ही डालना है।
जितना ज़रूरत है उतना ही नमक डालना है, डाल के इसको अच्छे तरीके से पका देना है, ढक देना है। और मैं थोड़ा सा आटा ले लूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे आटा लगाना है, मेरी सब्जी पक रही है, साथ ही साथ मैं आटा लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ग्रेवी पक के तैयार हो चुका है। इसमें जो मैंने प्याज रखे थे वो सब डाल दूँगी, डाल के इसको 5 मिनट तक स्लो गैस पे पकाएंगे, क्योंकि मेरी प्याज ऑलरेडी पक चुकी है, तो इसको हम थोड़ा ही पकाएंगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी सब्जी देखिए बनकर तैयार है। इसका नाम है कांदी की सब्जी। आप लोग एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड स्वीट ड्रीम।